हेलो दोस्तों, आप सबों को जय यीशु। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा प्रारंभिक कलीसिया के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं, प्रारंभिक कलीसिया के बारे में कुछ जानते हैं। पुनरुत्थान के बाद 40 दिन तक प्रभु यीशु शिष्यों को दिखाई देते रहे और उनको ईश्वर के राज्य के विषय में शिक्षा देते रहे। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 1-3 में हम पाते हैं, उन्होंने शिष्यों से कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हम मत्ती 28:18-20 में पाते हैं, उन्होंने शिष्यों को यह भी आदेश दिया कि वे यरूशलेम न छोड़ें बल्कि पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा करें। प्रभु यीशु शिष्यों को देखते देखते स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। शिष्य यरूशलेम गए तथा अटारी पर चढ़े जहां वे ठहरे हुए थे। वे थे पेत्रुस तथा योहन, याकूब तथा अंद्रियस, फिलिप तथा थॉमस, बर्थोलोमी तथा मती, अल्फाई का पुत्र याकूब तथा सिमोन जो उत्साही कहलाता था, और याकूब का पुत्र यूदास। ये सब एक हृदय होकर नारियों, ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। हम प्रेरित चरित अध्याय 1 पद संख्याएं 13-14 में पाते हैं, जब पेंतेकोस्त का दिन आया और सब शिष्य एक साथ एक स्थान पर इकट्ठे थे, तो अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगी। हम प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्याएं 1-4 में पाते हैं, पिंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा के आगमन के साथ यरूशलेम में कलीसिया का औपचारिक उद्घाटन हुआ। अन्य शिष्यों के साथ खड़े होकर जब पेत्रुस ने यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य दिया, तब उससे प्रभावित होकर उस दिन करीब 3,000 लोगों ने मसीह में विश्वास किया और वे बपतिस्मा ग्रहण कर शिष्यों में सम्मिलित हो गए। हम प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्या 41 में पाते हैं, विश्वासियों का यह समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 32, उनके पास जो कुछ था उनमें सबों का साझा था, सबों की जरूरतों का बराबर ध्यान रखा जाता था। प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 34-35 में पाते हैं, उनके बीच आपसी भाईचारा था। वे दत्तचित होकर प्रेरितों की शिक्षा सुनते थे, वे सब मिलकर प्रतिदिन मंदिर जाते तथा सामूहिक प्रार्थनाओं में नियमित रूप से शामिल हुआ करते थे। वे निजी घरों में प्रभु भोज में सम्मिलित होकर निष्कपट हृदय से आनंदपूर्वक एक साथ भोजन करते थे। प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्याएं 42-47 तक, प्रेरितों के प्रचार का मुख्य मुद्दा यीशु का पुनरुत्थान था। वे चमत्कारों या चिन्हों से प्रभु का साक्ष्य देते थे। प्रेरित चरित अध्याय 5 पद संख्या 12, और इसके फलस्वरूप विश्वासियों की संख्या में दिनों दिन वृद्धि हो रही थी। प्रेरित चरित अध्याय 5 पद संख्या 14, अध्याय 6 पद संख्या 7, विश्वासियों की बढ़ती संख्या के कारण रसद वितरण में अनियमितता होने लगी और लोगों में असंतोष फैलने लगा। प्रेरितों ने इस समस्या से निपटने के लिए लोगों को उनके बीच से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण सात बुद्धिमान तथा ईमानदार व्यक्तियों को चुनने का सुझाव दिया। लोगों ने स्टेफनुस, फिलिप, प्रोखारुस, निकानोर, तिमोन, परमेनास और निकोलास को चुना। प्रेरितों ने स्वयं प्रार्थना या वचन की सेवा में लगे रहने का निर्णय लिया।
प्रेरित चरित अध्याय 6 पद संख्या 1-6 तक। प्रारंभ से ही कलीसिया को विरोध का सामना करना पड़ा। यहूदी धार्मिक नेता यीशु के नाम के प्रचार से चिंतित होने लगे, क्योंकि लोग बड़ी संख्या में यीशु में विश्वास कर रहे थे, इसलिए वे शिष्यों को सताने लगे। प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 18-21, अध्याय 5 पद संख्या 17-18 में पाते हैं। धर्म सेवक स्तेफनुस अनुग्रह तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर जनता के सामने बहुत से चमत्कार तथा चिन्ह दिखाते थे। वे पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर सुसमाचार की घोषणा करते थे। दासी मुक्त नामक सभागृह के कुछ सदस्यों और कुरेने, सिकंदरिया, किलिकिया तथा एशिया के कुछ लोगों ने घूस देकर कुछ व्यक्तियों से यह झूठी गवाही दिलवाई कि हमने स्तेफनुस को मूसा तथा ईश्वर की निंदा करते सुना। वे स्तेफनुस को महासभा के सामने ले गए। स्तेफनुस ने महासभा के सामने भी निडर होकर प्रभु येसु के सुसमाचार की घोषणा की। उन्हें ईश्वर की महिमा तथा पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान येसु का दर्शन हुआ। लोग स्तेफनुस को पकड़कर शहर के बाहर निकालकर उन्हें पत्थर मारते रहे तथा तब उन्होंने यह प्रार्थना की, प्रभु ईसा मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर वे घुटने टेक कर ऊंचे स्वर से वे बोल उठे, प्रभु यह पाप इन पर मत लगा। यह कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। स्तेफनुस की हत्या के साथ अन्य विश्वासियों पर भी अत्याचार होने लगे। प्रेरित चरित अध्याय 6 पद संख्या 8, अध्याय 7 पद संख्या 1, अध्याय 8 पद संख्या 3, अध्याय 8 पद संख्या 1-33 तक। उत्पीड़न का सामना करने की शक्ति के लिए विश्वासीगण प्रार्थना करते थे। प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 29, अध्याय 5 पद संख्या 40। यरूशलेम में जब अत्याचार बहुत बढ़ने लगा, तब विश्वासी उससे बचने के लिए यहूदिया या समारिया के देहातों में बिखर गए। कुछ फिनेसिया, कुप्रुस तथा अंताकिया तक पहुंच गए। प्रेरित चरित अध्याय 11 पद संख्या 19। जो बिखर गए थे वे घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करते रहे। प्रेरित चरित अध्याय 8 पद संख्या 4। इसके फलस्वरूप कई गैर यहूदियों ने भी प्रभु पर विश्वास किया। जब लोग धर्म सेवक स्तेफनुस पर पत्थर मार रहे थे, तब वह गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक एक नौ युवक के पैरों पर रख दिए। साउल का जन्म किलिकिया के तरसूस नगर में हुआ था, किंतु उनका पालन पोषण यरूशलेम में हुआ। गमालियल के चरणों में बैठकर उन्होंने पूर्वजों की संहिता की कट्टर व्याख्या के अनुसार शिक्षा दीक्षा मिली। वे ख्रिस्तियों का विरोध कर उनके ऊपर घोर अत्याचार करते तथा करवाते थे। उन्होंने प्रधान याजक के पास जाकर दमिश्क के सभागृह के नाम पर पत्र मांगे, जिनमें उन्हें अधिकार दिया गया कि यदि वे वहां ख्रिस्तीय विश्वासियों का पता लगाएं, तो वे उन्हें, चाहे वे पुरुष हो या स्त्रियां, बांधकर यरूशलेम ले आए। जब वे यात्रा करते करते दमिश्क के पास पहुंचे, तो उन्हें प्रभु येसु के दर्शन हुए। इस घटनाक्रम का विवरण हम प्रेरित चरित अध्याय 9 और 22 में पाते हैं। इस घटना का साउल पर बहुत प्रभाव पड़ा। उनका मन परिवर्तन हुआ तथा वे पौलुस नाम से जाने जाने लगे। यही संत पौलुस के प्रेरितिक जीवन की शुरुआत हुई। फरीसी संप्रदाय के कुछ सदस्य जो विश्वासी हो गए थे, गैर यहूदियों को स्वीकार नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने खतना नहीं किया था और वे मूसा की संहिता का पालन नहीं करते थे। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए यरूशलेम में प्रेरित और अलग अलग समुदायों के अध्यक्ष एकत्र हुए। प्रेरित चरित अध्याय 15 पद संख्या 1-6 तक। काफी विचार विमर्श के बाद यह तय किया गया कि विश्वासी बनने के लिए किसी को खतने की आवश्यकता नहीं है। वे सिर्फ देव मूर्तियों पर चढ़ाए हुए मांस से, व्यभिचार से, गला घोटे हुए पशुओं के मांस से और रक्त से परहेज करें। प्रेरित चरित अध्याय 15 पद संख्या 28-29 तक। यह कलीसिया की पहली महासभा थी। यरूशलेम की कलीसिया बहुत गरीब थी, इसलिए अन्य प्रांतों के विश्वासी उनके लिए चंदा इकट्ठा करके भेजते थे। प्रेरित चरित अध्याय 11 पद संख्या 29-30, अध्याय 15 पद संख्या 25-28, अध्याय 16 पद संख्या 1-4।
याकूब जो नयादी कहलाते थे यरूशलेम के कलीसिया का संचालन करते थे। विश्वासियों के बीच यरूशलेम की कलीसिया का विशेष स्थान था, क्योंकि प्रेरित यहीं पर थे। अन्य प्रांतों की कलीसियाओं के अध्यक्ष निर्देश के लिए उनके पास आते थे। तो दोस्तों, यह था प्रारंभिक कलीसिया का इतिहास। आशा करती हूँ यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। कमेंट करने के लिए ना भूलें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे ऐसे कुछ वीडियो जानकारी के लिए मिलते रहें।